जय श्रीमन नारायण, वेलकम बैक टू माय चैनल माधव मैक्रोबायोलॉजी एंड आई एम वंस अगेन बैक विद माय न्यू वीडियो माय सेल्फ हर्षिता गहरवाल। सो टुडे आई एम कम विद अ न्यू टॉपिक विद द इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट इज व्हाट आर द एडवर्सली इफेक्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। हमने आज तक ये देखा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या पॉजिटिव आस्पेक्ट हैं, कि कैसे वो कैल्शियम के लिए बिल्डअप के लिए अच्छे हैं, बॉडी के लिए अलग अलग सप्लीमेंट सिस्टम के लिए अच्छे हैं, कैसे कैसे उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। पर आज हम देखेंगे कि डेयरी प्रोडक्ट का एक वो साइड जो हमारे लिए कहीं ना कहीं एडवर्सली इफेक्ट का काम भी करते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि कैल्शियम इज द पावर हाउस पनीर का है, फिर उसके बाद में पनीर का ही होगा कि वो कैल्शियम का पावर हाउस है। फिर हमने कहा चीज़ अच्छी है, क्रीम अच्छी है फॉर अदर अदर सिस्टम्स। हमने बोला आर्थराइटिस के लिए अच्छा है बटर लेना, वाइट बटर लेना। हमने अलग अलग चीज़ों के अलग अलग बेनिफिट्स बताए हैं, देखे हैं। बट आज हम देखेंगे कैसे डेयरी प्रोडक्ट्स के अलग अलग, यही प्रोडक्ट्स कैसे अलग अलग इनकी वेराइटीज़ में ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द रिस्क ऑफ द कैंसर। कैसे डेयरी प्रोडक्ट्स के कंजप्शन से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। रिस्क ऐसे बढ़ता है क्योंकि एक अमेरिकन डाइट में कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो मिल्क इस्तेमाल होता है एक नॉर्मल डाइट में इस्तेमाल होता है, जिसके वजह से टाइप 2 डायबिटीज एंड कैंसर, वो भी ओवेरियन कैंसर हुआ या ब्रेस्ट कैंसर हुआ या प्रोस्टेट कैंसर हुआ, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ इसके साथ में अल्जाइमर डिसीज भी काफ़ी ज़्यादा इससे होता है मिल्क के कंजप्शन से। इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ भी होती है और आपका कैंसर भी आता है। इसमें ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर होता है एंड साथ साथ अल्जाइमर डिसीज़ भी होती है, क्योंकि इसके अंदर लैक्टोज पाया जाता है और लैक्टिक एसिड की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इसको रेज करता है इन मल्टीपल वेज। फिर इसके बाद आता है हाई इन एस्ट्रोजन का मतलब है कि जब कोई भी काऊ की प्रेगनेंसी फॉर्म चल रही होती है उस टाइम पे भी जो लोग उनके मिल्क कंज्यूम करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके अंदर हाई प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन होता है, तो उस वजह से वो मिल्क जो है बेनिफिशियल नहीं होता, उसका कहीं ना कहीं बॉडी में एडवर्सली अफेक्ट होता ही है। इसलिए ज़्यादातर जितने भी एनिमल डॉक्टर्स होते हैं वो यही रिकमेंड करते हैं कि डोंट यूज़ द मिल्क विच इज हैविंग द काऊ इन देयर प्रेगनेंसी पीरियड। तो इस वजह से ये आता है क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो हाई होता है। इसके बाद आता है कॉज इन इन्फ्लामेशन, ऐसे डाल लिया कि जैसे कि काउस के उस पीरियड के टाइम पे, उस ड्यूरेशन में जब इस तरीके का हम कंसेप्शन करते हैं तो बॉडी में एक सिस्टम होता है रीजनरेशन प्रोसेस का। जैसे हमारी बॉडी में या कहीं पे भी पार्ट में कोई भी एक कट लग जाता है, टिश्यू कट हो जाता है, तो डेफिनेटली ये बॉडी नेचुरली उसको प्रोसेस करके रिपेयर कर देती है, क्योंकि हम कंजप्शन लेते हैं, कैल्शियम का लेते हैं, अदर बेनिफिशियल सप्लीमेंट्स का लेते हैं, जो मदद करता है बॉडी में इन सब सिस्टम्स को अपने आप एक रिपेयरिंग सिस्टम का काम देने के लिए। उसी वजह से जब इस तरीके का हम किसी भी चीज़ का इंटेक करते हैं तो इस इन्फ्लेमेशन में भी प्रॉब्लम आती है। एंड ज़्यादातर क्योंकि एथलीट्स के साथ में ज़्यादातर ये इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस होते हैं, क्योंकि एथलीट्स ही होते हैं जो ज़्यादातर उनको कट्स लगते हैं या वो गिरते हैं या किसी भी तरीके का उनको ब्रेकडाउन होता है, तो उनको बहुत जल्दी रिकवरी की ज़रूरत होती है। तो एथलीट्स का भी ये स्टेटमेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स को स्किप करना चाहिए, उसकी जगह पे आप प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स ले सकते हैं एज अ कैल्शियम सोर्स और एज अ बॉडी बिल्डअप। तो ज़्यादातर हम जैसे कि हमने वीगन फूड में देखा था, मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि वीगन फूड में हम डेयरी प्रोडक्ट्स को एक तरीके से डिच करते हैं, तो वीगन फूड में भी लेग्यूम्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। लेग्यूम्स हुआ, बीन्स हुआ या ग्रेन्स हुए या अदर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हुए, जिनका भी अच्छा खासा एक कंट्रीब्यूशन हम कह ले सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन रहता है कैल्शियम सोर्स को बढ़ाने के लिए या फिर मिल्क की एक पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए, एक तरीके से कंपनसेशन कह सकते हैं करने के लिए। तो लेग्यूम्स, बीन्स, ग्रेन्स इन अदर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी इसके लिए अच्छे होते हैं। अब आता है ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर यूज। जैसे जनरली हम जानते हैं कि ज़्यादातर जितने भी मिल्क सेलर होते हैं कोई 100% प्योर मिल्क सेल नहीं करता। डेफिनेटली उसमें अगर उन्होंने 60% ही ज़्यादा, मतलब आई थिंक 60% में बहुत ज़्यादा बोल लूँ, 60% ही प्योर मिल्क होता है, रेस्ट ऑफ 40% वो पानी मिलाते ही बनाते हैं, तो वो पानी कंटेमिनेटेड है, प्योर पानी है, कैसा पानी है,
वी डोंट नो द क्वालिटी ऑफ द वाटर दे एडेड इन दैट मटेरियल. सो उस वाटर का क्या आगे चल के साइड इफेक्ट आता है, कैसे कैसे इंसान को प्रॉब्लम्स आती हैं. क्योंकि एक केस आया था जिसमें एक लेडी के साथ हुआ था, एक गर्ल के साथ हुआ था, दो लोगों की कहानी मुझे मालूम है. व्हाट हैपेंड इन दैट केस दैट वो हमेशा कंज्यूम करते थे मिल्क को एंड वो सेलर से लेते थे एंड उन्हें नहीं पता था दैट इट इज़ अ कंटेमिनेटेड वाटर दैट सेलर एडेड टू द मिल्क. एंड वो एक कंटेमिनेटेड वाटर को ऐड करते थे जिसके वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी. एंड ज़्यादातर अगर कंटेमिनेटेड वाटर वो ऐड कर रहे हैं तो उसे हार्मोनल इशूज होते ही हैं, क्योंकि सबसे पहले कोई भी बॉडी में गलत काम होता है तो उसका सबसे ज़्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस होने का चांस रहता है. क्योंकि हमारी बॉडी में केमिकल मैसेंजर का काम हार्मोन करता है, तो बॉडी में कुछ भी चेंज आता है तो उसका रिलेशन जो होता है सीधे हार्मोनल प्रॉब्लम से होता है. तो हार्मोन्स का प्रॉब्लम आता है जिसमें आता है आपका थायराइड प्रॉब्लम्स हो गई, ओबेसिटी हो गई एंड अदर प्रॉब्लम्स हो गई. साथ ही साथ में जो ग्रीन हाउस ऑफ गैसेस का मतलब है, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट रहता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो काओ या बफेलो जो भी ग्रेजिंग खाते हैं दैट्स ऑल आर अ गुड फॉर देयर हेल्थ. बिकॉज जब कंटेमिनेटेड एरिया में रहेंगे तो कंटेमिनेटेड फूड को इंटेक करेंगे तो कंटेमिनेशन ही चीज़ को वो प्रोड्यूस भी करेंगे, तो इस वजह से भी ये हार्मफुल है. अब आता है लैक्टोज का इंटॉलरेंस. ये बहुत ही ज़्यादा सुनने में वियर्ड लगता है कभी कभी, बट इट्स नॉर्मल नाउडेज कि लैक्टोज से भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है. मतलब जो 1 ईयर के या 2 ईयर के ओल्ड बच्चे होते हैं उनको भी लैक्टोज से प्रॉब्लम होती है. क्या होता है कि जो लैक्टोज है इसके अंदर नेचुरल शुगर होती है मिल्क में, साथ ही साथ ये धीरे धीरे करके वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती है. लैक्टोज इंटॉलरेंस को कंप्लीट करने के लिए अब बहुत सारे ऐसे डेयरी वाइटनर्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो सारे इंटेक्स प्रोसेस को प्रॉब्लम्स को क्लियर कर देती है. तो जैसे कि हम देखते हैं जो डेली पर्पजली वाइटनर्स डेली वाइटनर्स आ गए हैं, लाइक एवरी डे का यूज़ होता है, अमौल्य का यूज़ होता है, फिर अभी एक T2 करके भी आने लगा है. इट्स अ लोकल ब्रांड एक्चुअली बट इट्स अ इंटरनेशनल ब्रांड. एंड बाकी के जो डेली वाइटनर्स में आते हैं जो इन्फेंट्स को दिए जाते हैं वो भी अलग अलग नाम के आते हैं उनका. एंड साथ ही साथ में इन्फेंट स्प्रे के नाम से आता है वो, इन्फेंट स्प्रे विच इज कमर्शलाइज बाय द अमूल कंपनी, अमूल ब्रांड. तो इस तरीके से वाइटनर अवेलेबल हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले बच्चे होते हैं जिनको लैक्टोज को वो यूटिलाइज नहीं कर पाता डायरेक्टली, तो उनको पाउडर्ड फॉर्म में और ल्यूकवार्म वाटर के साथ मिक्सअप करके बॉडी के उस इंटेक को कंप्लीट किया जाता था. कि अगर वो चीज़ उनको नहीं मिली तो देवर समथिंग कि उनको उस चीज़ की कहीं ना कहीं कोई कमी होने की वजह से कोई डिजीज हो सकती है एंड विच कैन गोज टू बी लॉन्ग लास्टिंग डिजीज. तो उसको प्रिकॉशन के तौर पर लेने के लिए ये चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जिसके अंदर प्रॉपर लैक्टोज नहीं होता. बट व्हाट दे डू, एक मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में डेयरी वाइटनर प्रोसेस ज़रूर बताऊंगी जो आपको इससे बहुत इजीली कनेक्ट करेगा. तो डेयरी वाइटनर में के एक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से उसमें कुछ चीज़ों को ऐड किया जाता है जो बॉडी की नेसेसिटीज़ को कंप्लीट करे, जिससे किसी भी चीज़ के इनकन्वीनियंस की वजह से बॉडी में ना यूटिलाइज होने की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. तो इस वजह से इन्फेंट के लिए स्प्रे बनाया गया है. स्प्रे तो उसका नाम है, स्प्रे डजंट मीन दैट स्प्रे डजंट, इट्स अ हैव अ टाइनी पार्टिकल्स विच वर एडेड विद द ल्यूक वाटर. सो दिस विल अवेलेबल इन द मार्केट. एंड सेकेंड थिंग इज इट इज़ नॉट, इसको सबसे बड़ा जो लोगों ने अपने मन में भ्रम माल रखा है दैट मिल्क इज ओनली द सोर्स टू बिल्ड अप द बॉडी जस्ट बिकॉज इट्स अ हाइएस्ट सोर्स ऑफ द कैल्शियम, बट दैट्स नॉट अ ट्रू. अब ये चीज़ हटा देनी चाहिए कि जो कैल्शियम है सिर्फ और सिर्फ उसी से मिल सकता है मिल्क से. आई थिंक मार्केट में इतने सारे कन्वीनियंटली चीज़ें अवेलेबल हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं है. Not the only way to build the calcium. Actually, this fact is very true. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ दूध से ही कैल्शियम की मात्रा को पूरी की जाए. क्या होता है कि हमारी बॉडी को एक सपोज कीजिए कोई पर्सन 50 किलोग्राम का है तो उसको डेफिनेटली 1 ग्लास ऑफ मिल्क वो लेगा एज अ डाइट. बट उस 1 ग्लास ऑफ मिल्क में कितनी कैलोरी है, कितना उसका इम्पॉर्टेंट जो उसका पार्ट है वो प्योर पोर्शन में है कि नहीं, तो दैट पर्सन डजंट नो अबाउट दैट थिंग. सो ये एक चीज़ का दिमाग में रखा जाता है कि नहीं, 1 ग्लास ऑफ मिल्क इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द दैट पर्सन. अगर आपको कैल्शियम की ही चीज़ों को
अपने बैलेंस डाइट में लेना है तो बहुत सारी अवेलेबल चीज़ें हैं, जैसे आई सेड इट अर्लियर ऑल्सो अबाउट लेग्यूम्स विच इज़ अगेन अ वीगन डाइट. लेग्यूम्स हुआ, ग्रेन्स हुए, सोया मिल्क हुआ, क्योंकि सोया मिल्क भी प्लांट बेस्ड हो गया, आलमंड मिल्क हुआ, साथ ही साथ में अब तो टोफू भी एक इजीली अवेलेबल है मार्केट में. एक टाइम हुआ करता था जब टोफू मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता था या लोग उसके बारे में अवेयर नहीं थे, बट जैसे जैसे वीगन फूड लोगों के अवेयरनेस में आ रहा है वैसे वैसे टोफू भी और ज़्यादा अवेयरनेस में है. सो टोफू भी अब अवेलेबल हैं, वो ले सकते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल इन द प्लांट बेस्ड मटेरियल, तो जो कि इस कैल्शियम को यूटिलाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है. एंड लास्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, That is, milk products or a dairy products is also causes high acne and other hormonal disbalance problems or disease. एक्नी लैक्टोज से भी होती है, सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट से एक्नी होने के चांसेस होते हैं. ज़्यादातर आप देखते हैं कि जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो साथ ही साथ में अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं तो दे रिकमेंड दैट जस्ट टू स्किप द डेयरी प्रोडक्ट इन द डाइट, बिकॉज डेयरी प्रोडक्ट में होते हैं लैक्टोज एंड लैक्टोज की वजह से कुछ नेचुरली इसमें प्रोड्यूस होने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, जिन सब्सटेंसेस के वजह से बॉडी में जो स्किन में जो आपके कोलेजन होते हैं, कोलेजन को कहीं ना कहीं उसमें प्रोडक्शन में जो स्किन को और ब्राइटफुल या फिर और अच्छा बनाते हैं, उसकी सब्सटेंसेस के साथ भी कुछ रिएक्शन होता है जिसके वजह से आपके वो फेस पे दिखता है दैट एक्ने जस्ट बिकॉज ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट. सो ये भी एक हाई एक्ने होने का कारण होता है. अदर द हार्मोनल डिसीज डिसबैलेंस प्रॉब्लम्स एंड डिसीज, जिन लोगों को हार्मोनल से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम्स होती है लाइक द पीपल हु सफर फ्रॉम द पीसीओडी प्रॉब्लम और अ पीसीओएस और एनी थायराइड प्रॉब्लम और एनी T3, T4, TSH एनी एच ऑफ द हैव, दे ऑल हैव रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर टू स्किप द डेयरी प्रोडक्ट, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट की वजह से ही बॉडी में अदर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसलिए डेयरी प्रोडक्ट्स को ख़त्म कर दिया जाता है. ज़्यादातर जो लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट पे होते हैं, जो इन प्रोडक्ट्स को स्किप भी करते हैं, अदरवाइज अगर वो उस प्रोडक्ट्स को ले लेते हैं तो विद देयर कंजप्शन विद इन 10 आवर उनको वही प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है 100% जिसके वजह से डॉक्टर उनको मना करते हैं, तो इस वजह से भी इसको स्किप करा जाता है. तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये तो समझ में आया होगा कि हमेशा हर चीज़ अच्छी नहीं होती, एवरीथिंग हैव देयर ऑलवेज अ लिमिटफुल पीसफुल थिंग इन अ जर्नी इन अ फ्यूचर. अगर हम किसी भी चीज़ को एक लिमिट्स के साथ यूज़ करते हैं तो अच्छी है, अदरवाइज अब तो ऐसा सब कुछ हर चीज़ अवेलेबल होने लगी है जो किसी चीज़ की अनअवेलेबिलिटी को कम्प्लीट कर सकती है. सो थ्रू दिस वीडियो आई मेक यू ऑल टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग हैव देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आस्पेक्ट. वी नीड टू नो ईच एंड एवरी थिंग वट एवर इट इज, either milk, sugar, water, other dairy products, anything. So usually मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ अपने हर एक वीडियो के थ्रू कि जो भी वीडियो बनाऊँ उस वीडियो से आपको जनरल अवेयरनेस भी मिले, साथ ही साथ मैं आपको एक साइंटिफिकली लेसन भी दे सकूँ. सिर्फ और सिर्फ मैं एक सब्जेक्ट के साथ जुड़ा नहीं रहना चाहती, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर ऑल दी इन्फॉर्मेशन वट एवर आई हैड, सो जिसके वजह से आपको अच्छी अवेयरनेस मिलेगी, आपको अच्छी एक इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के थ्रू मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वो मुझे अच्छा फीडबैक मिलता है, मुझे अच्छी पॉजिटिविटी, एक अच्छी नेगेटिविटी से दूर होके एक पॉजिटिविटी मुझे मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो को जल्दी अपलोड करूँ. सो प्लीज़ जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, एंड जिन्होंने शेयर नहीं किया है प्लीज़ शेयर कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन एंड आपके शेयरिंग एंड आपके व्यूज़ इन्हीं 3 फैक्टर्स की वजह से मैं अदर वीडियोस बनाती हूँ ताकि मुझे और अच्छा फीडबैक मिले, तो मैं और एक अच्छी वाइब्स के साथ में एक अच्छे मोटिवेशन फैक्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ. सो थ्रू दिस वीडियो आई मेक यू श्योर अबाउट द एडवर्सली इफेक्ट ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स एंड हाउ एंड वाई वी स्किप और वी वॉन्ट टू स्किप द डेयरी प्रोडक्ट्स एंड विच ऑप्शन वी हैव ऑल्सो कैन चूज विद इट. सो थैंक यू सो मच.
आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड आई होप यू कम टू नो अबाउट माई लेसन थ्रू दी वीडियो. सो थैंक यू सो मच.